तो आपको सीधे लिए चलते दिल्ली, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इंडिजिनस कैपेसिटी पैरेलली वी ऑल्सो रिवाइज द गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वायरस वी आर डीलिंग एंड एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस एंड क्रिएशन ऑफ दीज इंडिजिनस मैन्युफैक्चर वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड द कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीज इन द कंट्री। इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। वी हैव ऑल्सो पैरेलली फॉलोड अप थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टिंग पीपीज एज पर नीड एंड वॉट वी हैव डन इज वॉट एवर पीपीज हैव बीन ऑब्टेन्ड these PPs based on the caseload they are also being supplied to the state in terms of management also. Last question, Mr. Upadhyay. मैडम एक तो आपसे जानना था कि ये तबलीगी जमात वाला केस है, इसमें कितने लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और इसमें कितने फॉरेनर्स इन्वॉल्व हैं, और एक क्लैरिफिकेशन अगर आप दे सकें कि ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि एनएसए समझाने गए थे मौलाना साद को 28 तारीख की रात को, तो क्या ये ऑफिशियली हुआ था? अगर क्या हुआ था, कैसे हुआ था? और एक सवाल आईसीएमआर से था कि सर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर बहुत सारी धारणा अभी भी चल रही है, ऑफिशियल पोजिशन क्या है? क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को दवा के तौर पर आईसीएमआर ने मान्यता दी है? तबलीगी जमात के इशू पर एक इलैबोरेट प्रेस ब्रीफ ऑलरेडी जारी हो गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा। माय रिक्वेस्ट विल बी दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड वील कम्युनिकेट मोर डिटेल्स टू यू सेपरेटली। अच्छा, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो आपने पूछा, जैसे पहले भी हम बार बार बोल चुके हैं, ये किसी कोई लोग हर इंसान ने इस्तेमाल करने की दवा नहीं है। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टडी करके डॉक्टर्स और जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ लैब कन्फर्म केसेस उनको दी जा रही है। उसका डेटा जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या इसको आम लोगों को लेने के लिए रिकमेंड करें या ना करें जो कॉन्टैक्ट में आते हैं उनके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।